नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ हॉटलाइन। मार्केट्स पे दबाव है आज, और एक सेक्टर जो फोकस में है वो है बैंकिंग। खास तौर से सरकारी बैंक्स जो हैं वहां पर आज के सत्र में ज्यादा दबाव बन गया, उसका असर भी मार्केट्स पे डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन 144 पॉइंट्स नीचे है सेंसेक्स निफ्टी, अभी 40 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, और आज का लो 10,070 के आसपास है। देखते हैं ये लेवल्स आज क्लोजिंग बेसिस पे बचा जाता है मार्केट की नहीं। लेकिन कुछ बड़ी बातें देखिए, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम 50 दिन की औसत के नीचे कामकाज कर रहे हैं, टेक्निकली की बहुत बेहतर संकेत नहीं माना जाता ये। दूसरा, यहाँ पर आज के सत्र में 10,200 और 10,300 दोनों ही कॉल्स पे बिकवाली होती हुई नजर आई। दो पॉकेट्स, एक तो NBFCs, हालांकि अब कुछ ही स्टॉक्स NBFCs में हैं जो लाल निशान में है। दूसरा प्रोमिनेंट है बैंकिंग, और उसमें भी सरकारी बैंक्स के शेयर्स आज ज़्यादा टूटे हैं। ऑटो, मेटल, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पर ट्रेडर्स ने कम्प्लीटली नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग की। एक पॉकेट तेज है वो है मिड कैप IT स्टॉक्स, और साथ साथ तेल गैस शेयर्स। आज रिलायंस चला जिसकी वजह से इंडेक्स पे आपको सिर्फ 0.4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस ने कुछ संभालने की कोशिश की है मार्केट्स को आज। मेरे साथ राजेश पलविया साहब इस समय मौजूद हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है। सर, मार्केट्स पे कुछ बाउंस बैक की उम्मीद की जाए क्या इन लेवल्स पे क्रेडिट पॉलिसी से पहले, या फिर ऐसे ही एक लैक लस्टर, एक डल ट्रेड ही होगा निफ्टी में? जी रजत जी, अगर हम डेटा की बात करें तो मार्केट एक जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है बाउंस बैक एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 10,000 के लेवल पे जो हाईएस्ट पुट कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस सीरीज के लिए। सो अगर हम 10,000 का लेवल नहीं बचा पाते हैं तो फिर ये सेलिंग और एक्सटेंड हो जाएगी। बट अगर जो डेटा देखें और अगर हम देखें जिस तरीके से पुट में अनवाइंडिंग भी देखने को मिला है कुछ स्ट्राइक्स पे, और सो उसके हिसाब से लगता है मुझे कि यहाँ से हमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ से कहीं से एक पुलबैक एक्शन जरूर बनना चाहिए मार्केट में। बट वो पुलबैक एक्शन बहुत बड़ी पुलबैक एक्शन अभी यहाँ से हम एंटीसिपेट नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स ये 10,200 तक का एक पुलबैक एक्शन हमें नियर टर्म में देखने को मिलना चाहिए। सो 10,000 यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लेवल है नियर टर्म में। चलिए, लगातार व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं अपने सवाल पूछने के लिए। आपका भी कोई भी प्रश्न हो मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी अब नजदीक है उसका आउटकम, और वो इम्पैक्ट डालेगा इंडियन मार्केट्स पे और आपकी पोजीशंस पे, राय ले सकते हैं आप एक्सिस सिक्योरिटीज की आज। आरपी सिंह जी लखनऊ से ज्वाइन कर रहे हैं। सिंह साहब नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ, सवाल पूछिए। सर, ये कैन बैंक का एक लॉट है हमारा 387 के रेट का, और एक इसका कॉल ऑप्शन 390 का है 5 रुपए के रेट का। नहीं, लॉट भी खरीद रखा है, कॉल भी खरीद रखी है। जी जी, ये क्यों डबल साइडेड, मतलब एक ही तरफा आपने दोनों पोजीशंस क्रिएट कर लिए? अक्सर यहाँ डेरिवेटिव मार्केट पे अगर आप फ्यूचर खरीदते हो तो उसके साथ पुट खरीदते हो या फिर कॉल बेचते हो। आपने डबल तेजी बना रखी है कैनरा बैंक में, ये आपको पता है? ये सर, ये बाद में कर लिया था जब दोबारा से बैक होने लगा था, तो लगा था कि शायद ऊपर 90 तक ना जाए, लेकिन कुछ लॉस कवर हो जाएगा। ये कॉल कौन सी स्ट्राइक की खरीदी हुई है सर? 390। सर वो भी बाहर की है सर, ये तो जो ट्रेड है ना वो बिल्कुल फेवर में है नहीं। मैं एक बार फिर भी पूछ लूं, राजेश जी बताएं क्या करना चाहिए। एक्सिस बैंक में 387 के लेवल पे एक लॉट खरीदा, नीचे आ रहा था तो एक कॉल भी प्लस की 390 की, ये ट्रेड सही मानते हैं आप, या फिर जो भी प्रीमियम्स मिल रहे हो एग्जिट करना होगा? बाउंस बैक आ जाए तो बेहतर, थोड़ा नुकसान कम हो जाएगा। जी, कैनरा बैंक में अगर हम देखें तो 390 तो यहाँ से अभी दूर लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। 4.90 के आसपास ट्रेड कर रहा है 390 का कॉल यहाँ से। सो मुझे लगता है अगर ये स्टॉक यहाँ से 360 का लेवल अगर बचा सकता है, कल RBI पॉलिसी है तो मोस्ट वॉलेटिलिटी हमें इन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, बैंकिंग स्टॉक्स में। सो अगर 360 का लेवल कल के सेशन में बचा पाता है तो यहाँ से बने रह सकते हैं। एक पुलबैक एक्शन जरूर आना चाहिए स्टॉक में, 380-385 तक की आएगी, तो मुझे लगता है कि वहां पे जब इन्हें जो भी कॉल में रेट रहेगा उस समय मुझे लगता है 7.5-8 रुपए के आसपास ये ट्रेड करेगा, वहां पे एग्जिट लेना चाहिए। और जो फ्यूचर की पोजीशन है उसमें पोजीशन में बने रहना चाहिए 360 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 380-385 तक आएगा वहां एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। अगर वो क्रॉस कर पाता है तो ये ट्रेड इनका प्रॉफिट में हो पाएगा, क्योंकि इन्होंने 387 में बाय किया है पोजीशन। एक और व्यूअर मेरे साथ इस समय लाइन पे है अपना सवाल पूछने के लिए, राजेंद्र जी कोलकाता से। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। हाँ, सवाल पूछिए। हाँ, मैंने एक्सपोर्ट के 720 का कॉल लिया हुआ December 23 का 23 रुपए। बहुत बाहर का, ये पोजीशन कब बनाई थी ये बता दीजिए एक बार, ये मेरे को लग रहा है प्रीमियम बहुत टूट गए होंगे। ये अभी है 6 रुपए में, कब बनाई थी पोजीशन? 1 तारीख आसपास बनाई थी, और ये कल आज मिला के बहुत ज्यादा टूट चुका है स्कॉट्स। राजेश जी क्या करना चाहिए, 720 की कॉल है 23 रुपए में, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या फिर कुछ घाटा कम हो सकता है? अगर बाउंस बैक में 15 रुपए के आसपास भी आ जाए ना तब भी निकल जाएंगे,
उम्मीद है आएगा क्या 15 का स्तर? स्टॉक का स्ट्रक्चर देख के तो लग रहा है कि स्टॉक में कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है, लास्ट दो तीन दिन से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और स्टॉक ने एक इम्पोर्टेंट लेवल जो था इसका 670-675 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर कवर नहीं होता मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई बड़ा पुलबैक एक्शन आएगा। अभी इनका कॉल कुछ 5.80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा भी पुलबैक आता है, अगर ये स्टॉक 675 तक भी आता है तो शायद ये कॉल 10-11 रुपए के आसपास आना चाहिए, वहां पे इन्हें एग्जिट ले लेना चाहिए इस स्टॉक। अच्छा राजेश जी, एक बार ये चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट देखिए सर, ये टिक बाय टिक में देख रहा था इसके, एकदम से तेज हुआ है चोला इन्वेस्टमेंट, दिन के उच्चतम स्तर पे है, ये तेजी बढ़ेगी या फिर जिन्होंने पोजीशंस ले ली हो वो एग्जिट कर जाएं? पिछले आर्ली चार्ट्स पे 4 घंटे हो गए यहाँ पर वन वे ट्रैक पे स्टॉक को। जी हाँ, एक बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला, स्टॉक ने इंट्राडे बेसिस पे एक ब्रेकआउट भी दिया है, सो मुझे लगता है अगर किसी का पोजीशन इसमें बाय का है तो 1300 या 1298 का स्टॉप लॉस होल्ड ट्रेल कर लीजिए और उसमें बने रहिए। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से 1315 और 1325 तक के लेवल भी हमें इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकता है, सो 1298 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन को। अच्छा, राहुल जी अजमेर से अब जुड़े हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ राहुल जी, अपना सवाल पूछिए सर। नहीं, इनकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है। इनका जो प्रश्न हमारी टीम के पास है वो है अपोलो टायर्स, पोजीशन नहीं पता, मेरे ख्याल से लेना चाहते हैं अपोलो टायर्स। सही स्तर क्या होगा अपोलो टायर्स पे रीएंट्री करने का राजेश जी? जी स्ट्रक्चर तो वीक है अपोलो टायर का, मुझे लगता है इसमें वेट करना चाहिए 234-232 तक इसके नीचे आने दीजिए, वहीं इसमें पोजीशन बनाना चाहिए 228 के स्टॉप लॉस से, सो वेट कीजिए 4-5 रुपए और यहां से फॉल मुझे लगता है कि देखने को मिलेगा, वहीं इसमें पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। चलिए मेरे साथ अब शांताराम जी हैं, थाने से मौजूद हैं। शांताराम जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, पूछिए सवाल पूछिए। मैंने एक मारुति की कॉल परचेस की है 8600 की 156 रुपए 86 की 156 हो गई है अभी इसका सही दाम जो 125 के आसपास का, ये आज ही बनाया था क्या सौदा आपने? नहीं 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 आज नहीं बनाया है, वो एक्चुअली बनाया है 4 तारीख को सर। अच्छा, मारुति सुजुकी कैसा लग रहा है राजेश जी आपको? इनफैक्ट ये जो है ना ऑटो पैक, ये ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है आज, तो तमाम स्टॉक्स नीचे, चाहे वो फोर व्हीलर ले लीजिए या फिर टू व्हीलर, आज डाउन साइड ही देखने को मिल रही है। ओ मारुति सुजुकी इस हफ्ते, इनफैक्ट कल के सत्र में भी बिकवाली थी, आर्ली चार्ट्स पे कमजोर नजर आ रहा है। बताइए राजेश जी, कुछ बाउंस बैक की उम्मीद की जाए मारुति सुजुकी में? जी अगर हम ऑटो पैक में बात करें तो मारुति एक स्टॉक है जो थोड़ा सा हायर लेवल पे अभी भी स्टिल सस्टेन कर रहा है और उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और नियर टर्म स्ट्रक्चर स्टिल पॉजिटिव है, बट लास्ट 2-3 दिन का मूव देखे तो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है, बट मुझे लगता है ये शायद थोड़ा स्टॉक नीचे और करेक्ट होना चाहिए, 8450 और 8400 तक नीचे आ जाएगा। सो जो इनका कॉल है अराउंड 125 अभी जो ट्रेड कर रहा है वो थोड़ा नीचे आने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि अगर फिर भी बने रहना है इन्हें पोजिशनल बेसिस पे तो मेरे हिसाब से 8400 का स्टॉप लॉस यहाँ से पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा, और अगर ट्रेडिंग के हिसाब से इमीडिएट एक स्टॉप लॉस की बात करें तो 8480 एक इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ से इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, ऊपर में 8550 एक पहला हर्डल रहेगा इसका पुलबैक का, तो मुझे लगता है वहां इन्हें निकल जाना चाहिए इस स्टॉक से। एक बार टिक बाय टिक चार्ट दिखाइए मारुति सुजुकी की, क्योंकि यहाँ पर उनके पास जो कॉल है वो 8600 के स्तर की है। टिक बाय टिक तो थोड़ा सा एक बाउंस बैक इसलिए दिख गया क्योंकि पिछले कुछ अगर आप आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी, लगातार टूटता स्ट्रक्चर है ये, एक पुल बैक ट्रेड आज के मार्केट पे देखने को मिल रहा है, एक जंप है। ये जो आपने बताया 8480 अगर इसको स्टॉप लॉस लगा लेते हैं तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में सर टारगेट्स कहां पर रखे मारुति सुजुकी के, एग्जिट कर जाएंगे उस लेवल पे, स्पॉट के उस लेवल पे? अगर 8400 का स्टॉप लॉस अडॉप्ट करते तो मुझे लगता है ये स्टॉक वापस ऊपर में 8650-8680 जो पुराने इसके हाई थे वहां तक आ सकता है, तो पोजिशनल स्टॉप लॉस 8400 का होना चाहिए मारुति में। चलिए मेरे साथ एक और व्यूअर इनफैक्ट जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करूंगा सवाल क्या है। लेकिन आज जो तेजी है ना उसमें दो स्ट्रक्चर्स देखिए, एक तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और दूसरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। राजेश जी इसमें से कोई ट्रेड है क्या जहां पर तेजी बनाई जा सकती है? अभी आज बाजार को आउट परफॉर्म कर गए दोनों स्टॉक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और साथ साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। श्रीराम
जी मैं पहले श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिन की बात करूंगा। मुझे स्टॉक में जिस तरीके का आज का मूव देखने को मिला है, करीब 4% की गेन है और स्टॉक पिछले जो 2-3 दिन का जो इसका फॉल था उसको ऑलमोस्ट उसने रिकवर कर लिया है। सो यहाँ से इमीडिएट बेसिस पे 1362-1365 एक हर्डल है। मुझे लगता है ये जिस तरीके के इसमें बाइंग एक्शन देखने को मिली, मुझे लगता है ये स्टॉक 1365 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो ये रैली कंटिन्यू रहना चाहिए। ऊपर में 1400-1410 तक के लेवल भी इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं। सो अगर किसी ने यहाँ पोजीशन बनाना है या बनाई हुई है तो यहाँ से स्टॉप लॉस की बात करें तो 1315 का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए और ऊपर के टारगेट मुझे लगता है 1365 के बाद 1400-1410 तक के देखने को मिलेंगे। चलिए श्यामवीर जी इससे मैं लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए, इन्होंने कॉल किया भोपाल से। श्यामवीर जी नमस्कार। श्यामवीर सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ सुन पा रहा हूँ सर, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी सवाल पूछिए सर। हाँ सवाल है सर, मैंने एक इंडिया सीमेंट का दिसंबर का एक लॉट बाई किया है 179 में। बहुत ऊपर की खरीद है सर, ये आपने ट्रेड बनाया कब था 179 का स्तर? इस सीरीज के स्टार्ट में बना लिया था क्या? हाँ ये करीब करीब 15 दिन हो गए सर। अच्छा रोल ओवर कर लिया आपने ये वाला सौदा? नहीं नहीं रोल ओवर नहीं किया है, मतलब मैंने लिया था तभी दिसंबर का सौदा लिया। अच्छा पिछली सीरीज में दिसंबर का सौदा उठाया। एक बार मैं पूछ लूं कि बाउंस बैक के कुछ चांसेस हैं क्या? राजेश जी ऑलरेडी बहुत बिकवाली हो चुकी है सर, अक्सर ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसी बिकवाली हो जाती है तो स्टॉक में एक उछाल आता है, निकलने का मौका मिलेगा इन्हें? 179 के खरीदा है इंडिया सीमेंट पे। जी अगर इंडिया सीमेंट में देखें तो स्टॉक करेक्ट तो ऑलरेडी हो चुका है और ये अभी अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टेबल, जो मल्टीपल सपोर्ट टेबल जिसको हम बोलते हैं 163-164 एक इसका मल्टीपल सपोर्ट टेबल है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक ये वॉलेटिलिटी में 163-164 का लेवल बचा पाता है तो यहाँ से एक अगर इनके पास गुंजाइश है तो एक एवरेज करने के लिए एक और पोजीशन बनाई जा सकती है विद वेरी माइनर स्टॉप लॉस ऑफ 162 के, और पुलबैक एक्शन में मुझे लगता है 173-175 तक आएगा तो जो नीचे में एवरेज के लिए जो बाय करा वहां पे इन्हें उसका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 180 इसका मेजर हर्डल है, जहां इनकी पोजीशन बनी वो तो इसका मेजर हर्डल है स्टॉक का, सो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको क्रॉस करना अभी इमीडिएट बेसिस पे। सो नीचे में एवरेज करना एक एडवाइस रहेगी 162 के स्टॉप लॉस से। चलिए मेरे साथ एक और व्यूअर लाइन पे अपना सवाल पूछने के लिए संदीप जी फरीदाबाद से। संदीप जी नमस्कार, बताइए पोजीशंस क्या मार्केट में सर? नमस्कार सर, एक ही अशोक एजेंट का लॉट लिया हुआ है दिसंबर का 119 रुपए पे। कल बनाया था ट्रेड क्या सर? जी सर कल बनाया था। अच्छा और कल ये टूट रहा था, कल तो एकदम से, आप अक्सर ट्रेड करते हैं FNO में, कल तो बहुत बिकवाली थी और बहुत समय बाद सबसे ज्यादा बिकवाली कल अशोक लैंड के स्टॉक में देखने को मिली थी। हाँ सर एक्चुअली क्या है कि ये मैंने जो ऑब्जर्व किया कुछ टाइम से 117-118 का थोड़ा सपोर्ट बन रहा था तो मैंने उसी के सोचा कि लेता हूं बॉन्ड पे आ जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, अब स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है, हालांकि इसका लॉट साइज भी बड़ा है। एक बार बताइए राजेश जी क्या करना चाहिए? 118.50 की खरीद है, 114.30 पे है फ्यूचर, यहाँ पर क्या अभी रुकें या फिर एग्जिट कर जाएं? 118 दोबारा से अगर आ जाए ना तो निकलने का मौका ढूंढेंगे, निकल जाएंगे, पैसा तो बाद में बनेगा वो बात अलग है, किसी और सौदे में निकलने का मौका मिलेगा अशोक लेलैंड में क्या? जी स्टॉक में जो सेलिंग हुआ है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग एब्जॉर्ब होते हुए दिख रही है स्टॉक में। अच्छा। 113-112 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो एक करेक्शन हुआ है उसमें, सो अगर ये 112-113 होल्ड कर जाता है तो वापस एक पुलबैक एक्शन के चांसेस बनते हैं, लेकिन वो पुलबैक 119-120 तक फ्यूचर के लेवल बता रहा हूँ, 119-120 तक ही मैक्सिमम आ सकती है अभी, क्योंकि वो एक मेजर हर्डल रहेगा पुलबैक का। सो 112 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए इन्हें अभी। 112 टूटा तो क्या वन वे ट्रैक पर टूटेगा या फिर कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं 112-110 यहाँ पर एक लेवल्स हैं जहां से हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक? 112 के नीचे मुझे नेक्स्ट लेवल इसका 108 लग रहा है और उसके नीचे जाता है तो 103 तक की सेलिंग इसमें आएगी। कैसे में हमारे पास आया है और ये है अजय जी का इंदौर से, टाटा स्टील की पोजीशन है इनके पास, राय दें राजेश जी यहाँ पर टाटा स्टील पे 680 की पुट है इनके पास, 16 रुपए पे ले रखी है, इसको होल्ड करना चाहिए सौदे को क्योंकि अब ये 672 पे हो गए यानी कि इन द मनी हो गई है पुट, मुनाफा दे सकती है क्या इसको होल्ड किया जाए तो? जी
जी हाँ, स्टॉक तो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है वहां से। मुझे लगता है कि यहाँ से और थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है। 665 तक के लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से इमीडिएट इन्हें एक ट्रेल कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस को। 672 पे करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट का, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ से स्टॉप लॉस इन्हें ट्रेल करके 676 का स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए। 665 के आसपास स्टॉक आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा राजेश जी, आईटी स्टॉक्स पे क्या करने की सलाह दी है आपने? टाटा एलेक्सा जैसे जो स्टॉक्स हैं लोअर लेवल से जहां पर खरीदारी हो रही है, हेक्सावेयर, एनआईटी टेक, कोई स्टॉक है जो आपके रडार पर है? जी हेक्सावेयर और टाटा एलेक्सी दोनों में अगर हम देखें तो अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट का एडिशन देखने को मिला आज के दिन में भी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में अगर यहाँ से हेक्सावेयर में अराउंड देखें हम तो कुछ 30% का ओपन इंटरेस्ट गेनर है आज, और टाटा एलेक्सी में भी अच्छा गेन देखने को मिला है। सो टाटा एलेक्सी में यहाँ से एक पोजीशन बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस उसमें अडॉप्ट करना पड़ेगा 915 का। ऊपर में इसका पहला टारगेट होगा 955-960 का। और हेक्सावेयर तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव लग रहा है मुझे, अगर इसमें पोजीशन है ऑलरेडी तो इसमें होल्ड करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन को, और यहां से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 337-338 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। नया फ्रेश बाय भी कर सकते हैं 338 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में मुझे लगता है इसका टारगेट यहां से 352-354 का आना चाहिए। एक बार बजाज फाइनेंस दिखाइए, ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है, पिछले कुछ दिनों में ये टूटा था, लोअर लेवल से खरीदारी जो आज देखने को मिल रही है, सस्टेनेबल लगती है आपको आज जिस तरीके का मूव बजाज फाइनेंस ने दिया, 1% के आसपास तेज हो चुका है? राजेश जी आपकी आपकी सलाह क्या होगी इस पे? जी अगर देखें तो ट्रेंड इसका स्लाइटली नेगेटिव था नियर टर्म में, बट आज के सेशन में भी इसमें एक पुल बैक एक्शन देखने को मिला है, और स्टॉक अभी मुझे लगता है कि कल का जो प्रीवियस हाई था 1693 का उसके आसपास ट्रेड करा, उसको क्रॉस किया है। सो अगर यहाँ से मेरे लिए ट्रेड के लिए अगर 1690 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है स्टॉक यहाँ से, तो यहाँ से एक पुल बैक ये कंटिन्यू रहना चाहिए, 1710-1720 तक का एक पुल बैक कंटिन्यू रहना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 1680 इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ से अडॉप्ट करना चाहिए ट्रेड के लिए। वीगार्ड देखिए एक बार, ये जो स्टॉक है ये चला है आज गिरते बाजार पे, इसने पकड़ मजबूत की और दिन के उच्चतम स्तर पे 2% के आसपास की तेजी, यहाँ पर क्या जिनके पास पोजीशन है उनको यहीं पर ही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए राजेश जी, या फिर होल्ड कर सकते हैं 228-229 के जोन्स पे? जी 229 इसका करंट मार्केट प्राइस है स्पॉट पे। मैं चाहूंगा कि अगर किसी के पास पोजीशन है, बिकॉज जो पुल बैक एक्शन देखने को मिली विथ वॉल्यूम एक्शन देखने को मिली है, तो लगता है शायद ये पुल बैक और एक्सटेंड होना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट जो एक गैप थी इसमें वो भी फिल कर रहा है स्टॉक, तो 232 एक हर्डल रहेगा इमीडिएट यहां से, वहां तक अगर ये स्टॉक उसके ऊपर निकल जाता है तो ये रैली और कंटिन्यू रहना चाहिए, 238 तक ये स्टॉक और पुल बैक एक्शन कंटिन्यू रखेगा। इमीडिएट स्टॉप लॉस की बात करें तो 227 एक नियर टर्म बिल्कुल नजदीक का स्टॉप लॉस रहेगा, और कोई पोजिशनल ट्रेड किसी ने इनिशिएट किया है स्टॉक में सो उसे यहां से 220 का स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए। चलिए हिमांशु जी का प्रश्न आया है, और ये प्रश्न इन्होंने नोएडा से भेजा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे राय लेना चाहते हैं आपसे, क्या खरीदने लायक है ये स्टॉक? क्रेडिट पॉलिसी से पहले एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखने को मिल सकता है क्या एसबीआई पे? राजेश जी आपकी सलाह। जी क्रेडिट पॉलिसी के पहले अगर इसमें ट्रेड इनिशिएट करना है तो मैं चाहूंगा कि इसमें प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, 312 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि साथ में इन्हें 305 का पुट भी बाय करना चाहिए। सो यहां से पुलबैक के अगर पॉजिटिव आउटकम आता है या स्टेटस को भी रहता है मार्केट बाउंस एक्शन देगा, तो यहां से इन्हें पुट भी बाय करके चलना चाहिए। 305 का पुट करीब 6 रुपए चल रहा है, और यहां से पोजीशन बना सकते हैं, 312 पे फ्यूचर ले सकते हैं, और ओवरऑल स्टॉप लॉस यहां से बात करें तो 308 का स्टॉप लॉस अडॉप्ट करना चाहिए। जैस्मीन जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, वसई से इन्होंने कॉल किया है। जैस्मीन जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस सितंबर का फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है 1177 पे, तो मुझे उसका फिल्टर मतलब मैं क्या करूँ ये राय जानना चाह रही थी। और यही स्टॉक आज तेज है, इनफैक्ट जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थी शुरुआती टिक्स कमजोर थे इनके, लेकिन निश्चित स्तर से कुछ रिकवरी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। मैम मैं एक बार राय दिला दूं राजेश जी की, राजेश जी ये 10 पॉइंट्स ऊपर आ गए अपने ट्रेड से, इन्होंने शॉर्ट कर रखा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, होल्ड करें क्या? ओ इनफैक्ट यहाँ पर तो अब 15 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हो चुकी है, एक अच्छी तेजी में आ गया ये, क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में सर, होल्ड करें या फिर यहीं पर एग्जिट करना होगा?
जी, स्टॉक में एक रिकवरी तो देखने को मिली, मुझे लगता है ये स्टॉक ये रिकवरी यहाँ से कंटिन्यू करेगा और 1205-1210 तक भी ये रिकवरी कंटिन्यू रहना चाहिए। सो अगर यहाँ से ये पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज इसको शॉर्ट करने के लिए जब तक ये स्टॉक 1150 के नीचे ट्रेड नहीं करता है, जब तक उसके नीचे सस्टेन नहीं होता, जब तक इसे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें जिस तरीके का पैटर्न है, जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला लोअर लेवल पे, सो वो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है 1150 का। तो जब तक ये स्टॉक वो लेवल नहीं तोड़ता, इसमें शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं बनाना चाहिए। ऊपर के लेवल में जरूर 1230 एक हर्डल है मेजर, वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, 1245 का स्टॉप लॉस रहेगा उस समय। अच्छा, अविनाश जी मुंबई से ही कॉल किया, उन्होंने हमारे साथ लाइन पे हैं आप। अविनाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमने एक सीएससी का एक लॉट इस महीने का लिया हुआ है 1035 का, हमें इसमें बना रहना चाहिए, कार्ड देना चाहिए, एक और लॉट लेना चाहिए? अच्छा राजेश जी बताएं, 1035 की खरीदारी है अभी फिलहाल है 988 पे, बने रहें या फिर यहीं पर ही लॉस बुक कर लें? सर अगर ये पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट किया है तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट स्टॉक का जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट हो चुका है और ये स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 970 इसका एक सपोर्ट है, ऑलमोस्ट स्टॉक वहां पे कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। सो अगर ये पोजिशनल बेसिस पे बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। तो 970 एक मेरा यहां से इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में फर्स्ट इसका हर्डल जो एक इमीडिएट हर्डल आएगा वो 1000-1005 का एक हर्डल है, अगर वो क्रॉस करता है तो जरूर इनके भाव तक वापस स्टॉक आना चाहिए और इवन वहां से 1065 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड देखे तो स्टॉक का पॉजिटिव है।